नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में Nord 2 के इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। इसे यूज़ करते करते अप्रॉक्सीमेटली मुझे 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। इसका मैंने एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है और फर्स्ट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत दिनों तक यूज़ करने के बाद आज मैं इसका जो वर्डिक्ट है, इसका कंप्लीट रिव्यू आपके सामने लेके आया हूं। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, क्या आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वेदर दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्लैगशिप किलर और नॉट। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसके जो नेगेटिव साइड्स के से शुरू करेंगे, कौन से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा है, इसमें 3.5 mm जैक नहीं आता इसमें, और फ़ोन के साथ कोई ऐसा कनेक्टर या एडाप्टर नहीं आता है जो USB टू 3.5 mm जैक पे कनेक्ट कर सके। आना चाहिए था दोस्तों, ये वाला जो मेरा हाथ में वेरियंट है 12 GB रैम और 256 GB रोम वाला, और ये जो वेरिएंट है, जो सबसे टॉप मोस्ट जो वेरिएंट है, तो 35,000 में तो दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसके कॉन्स के बारे में बात करूंगा। इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो स्लॉट है वो सिर्फ 2 नैनो सिम को सपोर्ट करता है। तो आपको फ़ोन खरीदते समय अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप फ़ोन 3 या 4 साल के टाइम पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए खरीद रहे हैं, तो आपको, मुझे लगता है ये जो सबसे टॉप वाला वेरिएंट है, इसे खरीदना चाहिए। अगर आपका स्पेस भी, फ़ोन का स्पेस भी आपके जो लिस्ट में शामिल है, तो टॉप वाला जो वेरिएंट है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 12 GB रैम मिल जाती है और 256 GB रोम मिल जाती है, जो कि सफिशेंट है, और फिर आपके हाथ में एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन आ जाएगा। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस फ़ोन के बारे में लगता है दोस्तों, इसमें गूगल डायलर आता है, और गूगल डायलर आपको पता है, अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सामने वाले को इंटीमेट कर देता है कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो सामने वाला अलर्ट मोड में आ जाता है। अगर कभी आपको रिकॉर्डिंग करनी है किसी की, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको सामने वाले की वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो दिस विल इंटीमेट टू दैट कॉलर कि आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा। चौथा, इसका ये डिजाइन है, साइड से यहाँ पर ये प्लास्टिक की फिनिश दी हुई है, लेकिन ऐसा मैं इसे कोई कॉन्स नहीं, मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो होल्ड करने में काफ़ी अच्छा दिखता है ये, और ऐसा प्लास्टिक जैसा फील नहीं होता है, तो इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ये मैंने कॉन में डाला है, लेकिन इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब प्रोज की तरफ। अब इसकी जो पॉजिटिव जो साइड है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। सबसे पहला मुझे इसका जो पॉजिटिव साइड वाला जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो है इसका ये एक कैमरा सेटअप। जो इसका जो मेन लेंस आता है सोनी IMX 756, इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों बेहतरीन है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ब्रॉड डे लाइट में आप फोटो खींचेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस मेन जो कैमरा है इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हालांकि कहीं ना कहीं आपको जो अल्ट्रा वाइड जो एंगल जो कैमरा है वो आपको निराश करता है। 8 मेगापिक्सल का है, तो आप ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन जो मेन जो कैमरा है बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। और कैमरे की जहाँ तक बात है, जो सेल्फी शूटर है इसका, ये 32 मेगापिक्सल का है, तो आप इससे बेहतरीन जो फोटोग्राफ्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो द बेस्ट मेरे को इसका फीचर लगा कैमरे के मामले में, तो वो है इसका डुअल वीडियो मोड। तो जी हाँ दोस्तों, डुअल वीडियो मोड स्पेशली फॉर ब्लॉगर्स के लिए अच्छा होने वाला। जैसे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, पार्ट टाइम ब्लॉगर, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ के वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, यू कैन से टाइप अप ट्रैवल ब्लॉगर। तो इसके दोनों कैमरा एक साथ काम करते हैं, फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा, तो उनसे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और जो मेन कैमरा है उससे आप जूम भी कर सकते हैं वाइल शूटिंग योर वीडियोज़। तो ये इसका एक अच्छा मुझे पॉइंट लगा, जो कि बेहतरीन एक पॉइंट है। दूसरा
प्रोज पे बात करेंगे दोस्तों, तो इस पे NFC मिलता है आपको, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो ये भी इसका एक दूसरा अप्रोच में आप काउंट कर सकते हैं। इसका जो स्पीकर है दोस्तों, इसमें जो स्पीकर दिए हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, ये वाला स्पीकर जो बॉटम पे माउंट है और दूसरा स्पीकर जो जिससे आप फ़ोन कॉल सुनते हैं, तो दोनों की जो वॉइस है दोस्तों बहुत लाउड है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इसमें आपको वॉइस मिलती है। तो स्पीकर के मामले में इसे एक बहुत बड़ा थम्स अप मिलेगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट इसका है। आगे बढ़ेंगे अच्छे पॉइंट के बारे में, इट्स अ ग्रेट एस्थेटिक लुक, इसका जो अपीयरेंस है बहुत ही प्रीमियम है, बहुत अच्छा ये हाथ में फिट हो जाता है, दिखने में भी इसका जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं मिलने वाला आपको हैंडलिंग के लिहाज से देखा जाए। एर्गोनॉमिक्स बेहतरीन है इसके। नेक्स्ट प्लस पॉइंट, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम लेफ्ट बैक एंड फ्रंट, तो आपकी स्क्रीन को जो प्रोटेक्शन मिलने वाली है इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है वो प्रोटेक्शन, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके स्क्रीन साइज दोस्तों 6.43 इंच की ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी इसका स्क्रीन साइज नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम ऑप्टिमम स्क्रीन साइज जिसे आप कहेंगे, तो आप प्रोफेशनल हैं इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो बहुत और नहीं लगेगा अगर आप इसे अपने वर्किंग प्लेस पे ले जा रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बेकार सा दिखने में, तो बेहद अच्छा इसका जो लुक है। नेक्स्ट प्लस पॉइंट, इसका जो स्क्रीन का कलर रिप्रोड्यूस करती है स्क्रीन बहुत ही अच्छी तरीके से कलर को रिप्रोड्यूस करती है, बहुत ही इसका जो कंट्रास्ट है, जो शार्पनेस है, जो ब्राइटनेस है निट्स में, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इससे कम बजट वाले फ़ोन आते हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है दोस्तों इसमें आपको कोई निराशा नहीं महसूस होगी, बहुत अच्छी इसकी स्क्रीन है और उसके जो कलर रिप्रोड्यूस करती है बहुत ही विविड और लाइव कलर रिप्रोड्यूस करती है, तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों हम स्क्रीन की ही बात कर रहे हैं आगे, तो एक और प्लस पॉइंट है इसमें, यानी कि सोने पे सुहागा, 90Hz इसका जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट वो मिल जाता आपको, तो कहीं भी आपको जिटरी फील नहीं होगा इसमें, कहीं पर लैग करता हुआ ऐसा स्क्रीन ऐसा फील नहीं होगा आपको। हालांकि 35Hz को ध्यान में रखते हुए इसमें 120Hz वाली डिस्प्ले मिलने चाहिए थे, लेकिन हाँ 90Hz से आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो स्क्रीन है वो HDR10 सर्टिफाइड है, तो हाई डायनेमिक रेंज आपको मिलने वाला है इस डिस्प्ले में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा इसका प्लस पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर, तो इसमें लगा हुआ है MediaTek 1200 AI चिपसेट जो है 5G इनेबल्ड, तो बेहतरीन ये चिपसेट है जो आपको प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो ये दोनों सिम इस पे दोनों डुअल सिम 5G सपोर्ट करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी ए फ्यूचर रेडी फोन इफ 5G लॉन्च्ड इन इंडिया, तो बहुत जल्द आपको भारत में अगर लॉन्च होता है 5G तो दोनों सिम से आपको सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात किया तो हर टाइम इस फ़ोन का जो 4G कैप्चरिंग जो एबिलिटी है बहुत अच्छी है, तो हर टाइम आपको 4G के अच्छे सिग्नल मिलेंगे और ऑब्वियसली आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। दोस्तों ये वाला जो वेरियंट है ये 12GB रैम और 256GB रोम वाला है, इसमें मैंने गेमिंग की है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत जल्दी ये फ़ोन हीट नहीं होता है और कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स की कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसमें आप वीडियो एडिटिंग करना चाहें तो वीडियो एडिटिंग के लिहाज से भी ये फ़ोन बहुत अच्छा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन हैंग नहीं होगा आपका। दोस्तों बात करते हुए मैं कुछ इसके जो अप्रोच था वो भूल गया था, याद आया अभी, तो ये जो कैमरा है इसका वीडियो शूट करते टाइम, तो ये जो कैमरा है दोस्तों इसमें मिलता है आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, तो जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या वीडियो शूट करते हैं थोड़ा भी अगर आपका फ़ोन हिलता है तो आपको कहीं भी किसी भी एंगल से वीडियो कहीं भी शेकी नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा आपका जो स्टेबलाइजेशन है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये जो इमेज स्टेबलाइजेशन है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है,
फ्रंट वाले कैमरे में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ा जिटरी फील होता है, लेकिन ओवरऑल ये भी काम काफ़ी अच्छा करता है। तो फ्रंट कैमरे से भी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ा भी कैमरा हिलेगा आपका तो मैनेज कर लेगा आराम से, तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला कैमरे के लिए ऐसा देखा जाए तो। ये काफ़ी एक अच्छे सेगमेंट में जाता है ये फ़ोन। अब दोस्तों इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे तो वो भी मेरे को एक पॉजिटिव साइन लगता है इसका। 4500 mAh की बैटरी है, एक दिन तक आपका अच्छी तरीके से बैटरी बैकअप दे देगी। और इसका जो चार्जर है दोस्तों वो है सोने पे सुहागा। 65 वाट का जो चार्जर रहता है बेहद एफिशिएंटली विद इन 30-35 मिनट्स आपका जो फ़ोन है पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है। 15 मिनट में आपका जो फ़ोन है वो 50% तक चार्ज कर लेता है। तो चार्जिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एक फ़ोन रहने वाला है, क्योंकि इसका जो चार्जर है वो बहुत ही कारगर है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है। बात आती है दोस्तों इसके UI के बारे में, तो बहुत क्लीन UI है, ऐसे आपको कहीं कोई बग वगैरह नहीं मिलेगा इसमें। और स्टोरेज जो है UFS 3.1 है, तो रैम मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इंटरनल स्पेस जो है इसमें मैनेजमेंट वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के दोस्तों जी हाँ, ये एक बेहतरीन फ़ोन रहेगा आपके लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं। अपने पास अगर कोई 20,000 से नीचे का जो फ़ोन है उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं किसी अच्छे फ़ोन में जो कि प्रीमियम लुकिंग फ़ोन हो, हालांकि आई विल नॉट कंसिडर दिस वन एज ए प्रीमियम फ़ोन, बट यस इट डेफिनेटली लुक्स लाइक प्रीमियम फ़ोन, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो मैं बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये सबसे टॉप वेरियंट है इसका, तो ये 35,000 के आसपास आपको पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ था इसके बारे में, इस रिव्यू के बारे में। मुझे आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो को देख के तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय।